तो आज अपना टारगेट है बैक ईएमएफ। आज हम देखेंगे कि बैक ईएमएफ क्या है और बैक ईएमएफ का हमसे क्या लेना देना है। तो कौन सा ईएमएफ है? बैक बैक ईएमएफ ईएमएफ। तो सबसे पहले जो बैक ईएमएफ है, इसका संबंध है, इधर देखना, इधर इसका संबंध किससे है? डीसी मोटर से। किससे है? डीसी मोटर से। डीसी मोटर से। तो ये मान लिया हमने, ये हमारी डीसी मोटर है, एकदम बढ़िया। कौन सी मोटर है? डीसी डीसी मोटर मोटर। तो और डीसी मोटर में भी हमें क्या देखना है? बैक बैक ईएमएफ। ईएमएफ। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि भाई ये डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फील्ड ये वाइंडिंग। आपके पोल हैं और इन पोलों पर कौन सी वाइंडिंग होगी? फील्ड फील्ड वाइंडिंग। तो वाइंडिंग। हमने ये मान लिया कि ये पोल है और इस पोल पर कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड फील्ड वाइंडिंग वाइंडिंग। है। ये फील्ड वाइंडिंग हो गई हमारी। तो ये कौन सी मोटर है? डीसी मोटर। और डीसी मोटर में ये कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड फील्ड वाइंडिंग। वाइंडिंग। अब ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इसको हम जोड़ेंगे कौन सी सप्लाई से? डीसी वोल्टेज से। किसे जोड़ेंगे? डीसी वोल्टेज अब से तुम डीसी वोल्टेज से जोड़ोगे तो वोल्टेज के कारण क्या आएगी? करंट। करंट और करंट के कारण क्या आता है? एम्पियर टर्न। और एम्पियर एम्पियर टर्न के कारण क्या आता है? एमएमएफ। टर्न और एमएमएफ एमएमएफ के कारण क्या आता है? फ्लक्स। फ्लक्स। मतलब डीसी मोटर में जो सबसे आवश्यक है वो फ्लक्स है। फ्लक्स अब है। फ्लक्स कैसे आया? फ्लक्स के लिए हमने फील्ड वाइंडिंग लगाई है। क्या लगाई है? फील्ड और वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग क्या पैदा करेगी? फील्ड। और कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड और कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी? हम इसको डीसी वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे। वोल्टेज के कारण करंट है, करंट के कारण एम्पियर टर्न, उसके कारण एमएमएफ और उसके कारण फ्लक्स। तो हमारी डीसी मोटर में एकदम बढ़िया क्या आ गया? फ्लक्स। फ्लक्स। अब डीसी मोटर में जो घूमने वाला भाग है उसको बोलते हैं आर्मेचर। उसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर। तो ये हमारा हो गया आर्मेचर। ये हमारा क्या हो गया? आर्मेचर। आर्मेचर। ये हमने मान लिया आर्मेचर। इस आर्मेचर में स्लोट होते हैं। इस आर्मेचर में क्या होते हैं? स्लोट ये होते हैं। आर्मेचर में स्लोट है। अब इसको हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं डायग्राम। ये हमारी डीसी मोटर हो गई, डन है। और डीसी मोटर का जो घूमने वाला भाग है, ये डीसी मोटर का जो घूमने वाला भाग है वो क्या है? आर्मेचर। और आर्मेचर में क्या है? स्लोट। स्लोट। और स्लोट में क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग। और आर्मेचर वाइंडिंग में क्या है? कोयल। और कोयल कोयल में क्या है? कंडक्टर। तो कंडक्टर। ये आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर है। बराबर बोलो, किसे कंडक्टर है? आर्मेचर वाइंडिंग। वाइंडिंग के और उससे कंडक्टर। पहले ये कौन सी वाइंडिंग थी? फील्ड फील्ड वाइंडिंग। वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग थी। और ये फील्ड वाइंडिंग का नॉर्थ पोल बन गया और ये क्या बन गया? साउथ। साउथ होल। अब तुम्हें पता है ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो किससे कनेक्ट रहती है? कम्यूटेटर से। किससे रहती है? कम्यूटेटर ये से। हमारे कम्यूटेटर से कनेक्ट रहती है। तो कम्यूटेटर क्या करती है? ये जो कम्यूटेटर है ये बना होता है हार्ड ड्रोन कॉपर का। किससे होता है? हार्ड ड्रोन कॉपर। और इसमें बीच बीच में क्या लगा रहता है? माइका। बीच माइका। बीच में क्या लगाता है? माइका माइका। सेगमेंट। माइका। अब ये जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है डायरेक्ट कम्यूटेटर से कनेक्टेड है। ये आर्मेचर वाइंडिंग डायरेक्ट कम्यूटेटर से कनेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग को यहां हमने लगा रखी है ब्रूस। यहां हमने क्या लगा रखी है? ब्रूस। ये हमने ब्रूस लगा रखी है। अब ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है। इस आर्मेचर वाइंडिंग को हमने डीसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। हाँ, किसे कनेक्ट कर दिया? डीसी डीसी वोल्टेज वोल्टेज से। से। अब जब हम आर्मेचर वाइंडिंग को डीसी वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या फील होगी? करंट। करंट। और ये करंट कहां पर जाएगी? कम्यूटेटर के पास। कम्यूटेटर ये जो डीसी है उसको किसे बदल देगा? एसी में। एसी। फिर कम्यूटेटर के बाद वो एसी कहां जाएगी? आर्मेचर वाइंडिंग में। फिर आर्मेचर वाइंडिंग में क्या है? कोयल। और कोयल में क्या है? कंडक्टर। तो कुल मिलाकर कंडक्टर में हमारी कौन सी करंट पहुंच गई? एसी। एसी। अब फील्ड वाइंडिंग का तो फ्लक्स, फील्ड वाइंडिंग का तो, फ्लक्स। और आर्मेचर वाइंडिंग का करंट। आर्मेचर वाइंडिंग की क्या है? करंट। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। और जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो क्या उत्पन्न होता है? टॉर्क। क्या टॉर्क। उत्पन्न होता है? टॉर्क। टॉर्क उत्पन्न होता है। हो गया टॉर्क उत्पन्न। तो टॉर्क वो बल है जिसके कारण आपका आर्मेचर क्या करेगा? घूमने घूमेगा। और लगेगा। ये आर्मेचर एकदम बढ़िया क्या करने लग जाता है? घूमने लग जाता घूमने है। लग जाते कहां हैं पर है? फ्लक्स में। फ्लक्स में। तो जब फ्लक्स में आर्मेचर घूमता है तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ। और ईएमएफ। वो ईएमएफ ही क्या कहलाता है? बैक बैक ईएमएफ। ईएमएफ। वो ईएमएफ ही क्या कहलाता है? बैक बैक ईएमएफ। ईएमएफ। रुको एक बार, तो एक बार हम आपको फिर दोबारा शॉर्ट में बता रहे हैं कौन सा ईएमएफ? बैक बैक ईएमएफ। ईएमएफ। कि भाई बैक ईएमएफ क्या है? तो मैंने आपको सबसे पहले कहा कि बाकी बातें तो बाद में देख लेंगे। बैक ईएमएफ का संबंध किससे है? डीसी मोटर से। बैक ईएमएफ का संबंध किससे है? डीसी डीसी मोटर मोटर। से। अब डीसी मोटर है तो डीसी मोटर में हमें फ्लक्स से चाहिए। डीसी मोटर में हमें क्या चाहिए? फ्लक्स। फ्लक्स। तो ये डीसी मोटर है और इस डीसी मोटर में हमें क्या चाहिए? फ्लक्स। फ्लक्स। इसके लिए जैसा इस डायग्राम में दिखा रखा है फील्ड वाइंडिंग लगा रखी है। फील्ड वाइंडिंग को वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे, करंट आएगी, करंट के कारण एम्पियर टर्न, उसके कारण एमएमएफ और उसके कारण क्या आ गया? फ्लक्स। फ्लक्स।
अब एकदम बढ़िया फलक्स आ गया, ये बन गया नॉर्थ पोल और ये बन गया साउथ पोल। इसके अलावा डीसी मोटर में एक वाइंडिंग और है जिसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। अब आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर पर होती है, कहां पर होती है? आर्मेचर। और आर्मेचर वाइंडिंग में कोयल होते हैं, कोयल में कंडक्टर होते हैं और वो कंडक्टर जुड़े रहते हैं कम्यूटेटर से। तो जब हम इसको डीसी वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे इसे, तो हमारी करंट आएगी ब्रुश के पास, उसके बाद में करंट कहां पर आएगी? कम्यूटेटर के पास। कम्यूटेटर डीसी को बदल देगा एसी में, फिर वो करंट कहां जाएगी? आर्मेचर वाइंडिंग की कोयल के कंडक्टर में। तो ये मान लिया हमने आर्मेचर वाइंडिंग की कोयल का कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर की तो करंट, इस कंडक्टर की तो करंट और फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, इन दोनों के मध्य रिएक्शन होती है और रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के कारण क्या उत्पन्न होगा? टॉर्क। हाँ, क्या उत्पन्न होगा? टॉर्क। फील्ड वाइंडिंग का तो फ्लक्स और आर्मेचर वाइंडिंग की करंट, इन दोनों के मध्य रिएक्शन कारण क्या होगा? टॉर्क। और जब टॉर्क लगता है, अब ये टॉर्क क्या है? किसी गोल वस्तु को घुमाने के लिए जो बल होता है ना, वही टॉर्क है। जैसे साइकिल के पहियों को घुमाना है तो उस पर हम बल लगाते हैं, तो वो टॉर्क है। तो उसके कारण ये आपका क्या करने लग जाएगा? आर्मेचर घूमने लग जाए। तो जब ये आर्मेचर घूमेगा कहां? फ्लक्स में, तो इस आर्मेचर की वाइंडिंग के कोयल के कंडक्टर में क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ। और वो ईएमएफ क्या है? बैक ईएमएफ। डन, रोक दो बस।